ये क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 5 है। इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है जेड इक्वल टू आयोटा पे रेजिड्यू निकालना है, ठीक है। तो जब मेरा बेटा इसके हम पहले फैक्टर बना लेते हैं, ये आगे जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा, ठीक है। ऊपर स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर अलहदा कर, इस पर अलहदा कर दिए। अच्छा, ये तो आयोटा पे है रेजिड्यू, ठीक है। इसमें ये इन्फिनिटी सिंगुलरिटी बन रही है, लेकिन इसको आपने चेक करना, यहाँ आयोटा पुट करेंगे, जी एफ जी, इसमें क्या है कि मैंने पुट किया जेड की जगह आयोटा पुट किया, आयोटा जरब आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस वन होता है, टू माइनस वन लाग वन, लाग वन पे जीरो। फिर जी प्राइम ऑफ जी निकाला, वन ओवर टू प्लस आयोटा जी आया। इसमें मैं जब वन पुट करता हूँ तो वन ओवर वन आया, आयोटा पुट करूँगा तो वन ओवर वन, ये जीरो नहीं होगा। इट मीन्स, ठीक है, सिंपल पोल, ठीक है, इट हैज सिंपल पोल, ठीक है। और ये जो है पोल ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है जी, इसमें जेड माइनस आयोटा स्क्वायर जो है इसमें क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है जी। जेड माइनस आयोटा स्क्वायर हैज पोल ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है जी। तो मेरा बेटा ये सिंपल पोल, सिंपल पोल मीन ऑर्डर वन, तो इसका मतलब है टोटल जो पोल ऑफ ऑर्डर हो गया थ्री, ठीक है। सो देयर इज पोल ऑफ ऑर्डर थ्री एट z इक्वल टू आयोटा, सही है। अब मेरे बेटे इसको फंक्शन को लिखेंगे कैसे, जब पोल की फॉर्म में आप तो लिखेंगे, तो ये इस तरह लिखा जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास z माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और वन ओवर z प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास लॉग z टू प्लस आयोटा z, ठीक है। अब मेरा बेटा पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है z इक्वल टू आयोटा पे, इसका मतलब होगा z माइनस आयोटा की पावर क्यूब होनी चाहिए, ठीक है जी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे z माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और z माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये फंक्शन बन जाएगा वन ओवर z माइनस आयोटा क्यूब इंटू z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा स्क्वायर लॉग ऑफ टू प्लस आयोटा z, ठीक है। अब रेजिड्यू निकालेंगे, ठीक है, रेजिड्यू फंक्शन का एट आयोटा पे क्या होगा, सही है, रेजिड्यू क्या होगा, इसको आप सारे को कहते हैं फाई ऑफ जी। यहाँ पे रेजिड्यू है, ठीक है, ये आपके पास जेड माइनस आयोटा, आप पोल रेजिड्यू का फार्मूला नंबर 4 लगाएंगे, यूज फार्मूला नंबर 4 मेरी वीडियो में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, रेजिड्यू के चार फार्मूले जो हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास इसका फार्मूला लिमिट जी अप्रोचेज टू आयोटा। अच्छा, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है तो यहाँ आ जाएगा थ्री माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, डेरिवेटिव, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है तो डेरिवेटिव होगा सेकंड, ठीक है। इस सारे को फाई ऑफ जी का नाम दे देना, फाई ऑफ जी, ठीक है। इसका मतलब है आंसर आया लिमिट जी अप्रोचेज टू आयोटा वन ओवर टू फाई डबल प्राइम ऑफ जी, ठीक है। अब मेरा बेटा ये फाई ऑफ जी हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे है कि इसमें जगह जब आप लिमिट पुट करेंगे ना, ज़ीरो और ज़ीरो बनेगा, ये इन्फिनिटी आप अगर डेरिवेट करें भी सही तो कहीं ना कहीं पे जाके ये क्या हो जाता है, ज़ीरो ज़ीरो यहाँ बन रहा है। अगर इसका हम दो बार डेरिवेटिव करें भी सही, फिर भी जो लॉग फंक्शन है जो बटे में ही रहना है, इस वजह से यहाँ ज़ीरो बनेगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब इसको हमने फाई डबल प्राइम ऑफ जी जो निकालना है वो इसको सेकंड डेरिवेटिव करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो रीज़न इसकी ये है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके कहेंगे कि फाई ऑफ जी हमारे पास जो इसको हमने कहा है वो है आपके पास ये जी माइनस आयोटा और, ठीक है, जी प्लस आयोटा का स्क्वायर और आगे आपके पास है लॉग टू प्लस आयोटा जी,
ठीक है जी। ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा जी प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, लॉग टू प्लस आयोटा जी फाई ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस आयोटा, सही है। अब मेरा बेटा जो इसमें स्टेप है वो इस तरह से है कि रेजिड्यू किस पे है, सिंस रेजिड्यू है जेड इक्वल टू आयोटा पे, इसका मतलब है जेड माइनस आयोटा, ठीक है। तो आपने यहाँ भी जेड माइनस आयोटा बनाना है, यहाँ भी जेड माइनस आयोटा बनाना है, यहाँ भी जेड माइनस आयोटा बनाना है, इधर तो जेड माइनस आयोटा है पहले से, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, इसको आप इक्वेशन वन कह लें, ठीक है, इक्वेशन वन जेड माइनस आयोटा, पहले मैं इसका एक एक पार्ट करके करेंगे। जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ जेड माइनस आयोटा बनाना है क्योंकि रेजिड्यू जेड माइनस आयोटा पे आपने जो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें पहले जेड माइनस आयोटा कैसे बनाएंगे, इसमें हम ऐसा करेंगे, लिख लेते हैं जेड माइनस आयोटा कर देते हैं, प्लस भी आयोटा कर देते हैं और ये प्लस आयोटा, ठीक है। यह आपके पास आंसर इसका आया इज इक्वल टू जेड माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा होल का स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर दें, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, जरा रेंज से तरतीब से हो जाएगा। टू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जी माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस टू ए इन टू बी, अरेंज करके लिख लेंगे। माइनस फोर आयोटा, फिर पावर वन वाली लिख लें, प्लस फोर आयोटा जी माइनस आयोटा, फिर आप पावर स्क्वायर वाली जी माइनस आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा बेटा जो है ना लॉग वाली सीरीज, इसमें भी जेड माइनस आयोटा बनाना है, तो ये आपके पास है लॉग टू प्लस आयोटा, ठीक है, यहाँ पे जी की जगह पे जी माइनस आयोटा बनाना है, तो बड़ा इजी सा, जी माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये बन गया लॉग टू प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा, ये आयोटा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई क्योंकि जी माइनस आयोटा चाहिए, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये आपके पास आ गया लॉग टू आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन या माइनस वन प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा, ये ठीक है जी। ये आपके पास आ गया लॉग वन प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा, ले जी। अब लॉग की सीरीज लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। लॉग की सीरीज आपके पास क्या है, लॉग वन प्लस जी की सीरीज, जी माइनस जी स्क्वायर ओवर टू प्लस जी क्यूब ओवर थ्री और माइनस वन, इस तरह से, ठीक है। इस पे सीरीज लगेगी लॉग वन प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा इज इक्वल टू, पहले मेरे बेटा ये आपके पास है जी, ये वन, जी सेम ये, ठीक है, और फिर माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा, ऊपर स्क्वायर सारे का, ठीक है, ये इसका स्क्वायर ओवर टू, ठीक है, फिर प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा, ऊपर क्यूब सारे का, ओवर थ्री प्लस वन, ठीक है जी। तो मेरा बेटा नेक्स्ट देखिए इसको सॉल्व, थोड़ा सा और कर ले, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये याद रखें आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा, ये लॉग की सीरीज बन गई लॉग वन प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गई आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जी माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर टू, ठीक है, और फिर प्लस आयोटा क्यूब इंटू जी माइनस आयोटा क्यूब ओवर थ्री प्लस वन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें,
ये बन गया इक्वल टू आयोटा जी माइनस आयोटा, माइनस प्लस हो जाएगा, जी माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर टू, यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस, अच्छा आयोटा यहाँ बच जाएगा ठीक है, माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा क्यू ओवर थ्री प्लस वन। अब रह गया फाई ऑफ जी, यहाँ भी आपने बनाना है जी माइनस आयोटा, इसमें आप क्या करेंगे, अच्छा इसमें आप ऐसा करेंगे कि आयोटा माइनस कर देंगे और आयोटा प्लस कर देंगे ठीक है, इसको अरेंज करके लिख लेंगे ऐसे, आयोटा पहले लिख लें और जी माइनस आयोटा बार, यहाँ पे टेलर सीरीज लगा लें, ये आपके पास ए ये आपके पास एच ठीक है जी, टेलर सीरीज आपको आती होगी, नहीं आती तो बुक से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फाई ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले आता है सिंपल डेरिवेटिव फाई, सिंपल फंक्शन फाई एट ए ठीक है, प्लस फिर आता है मेरा बेटा एच, एच है जी माइनस आयोटा फाई प्राइम एट आयोटा ए पी ठीक है, प्लस फिर जी माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, फिर आता है फाई डबल प्राइम एट आयोटा ठीक है, फिर इस तरह से अगर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपके पास आ गई ठीक है जी। अब मेरा बेटा देखें, ये मैं इसके सीरीज चलो लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये होती है एफ ऑफ ए प्लस एच एफ प्राइम एट ए प्लस एच स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एट ए प्लस वन, ये इस तरह से ये इस पर लगाई। अब मेरा बेटा ये सारी वैल्यूज आपके पास आई हैं ठीक है जी, इन सब की वैल्यू हमने पुट इन इक्वेशन वन कर देंगे, पुट इन इक्वेशन वन ठीक है जी, इक्वेशन वन में इन सब को पुट कर देंगे ठीक है जी, बारी बारी। इक्वेशन वन ये है जी प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये आई हुई है ठीक है जी, इस तरह इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है, तो ये आपके पास बढ़ेगी इस तरह इक्वेशन बनेगी, ये आपके पास आई थी वैल्यू माइनस फोर आयोटा प्लस फोर आयोटा जी माइनस आयोटा, माइनस फोर आयोटा प्लस फोर आयोटा जी माइनस आयोटा, और फिर आपके पास वैल्यू आई थी प्लस जी माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू, अब लॉग की वैल्यू लगा दें, ये आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा प्लस जी माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर टू माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा क्यूब ओवर थ्री प्लस सो ठीक है, इसके साथ लगाएंगे वैल्यू किसकी भला, फाई ऑफ जी की, यह फाई ऑफ जी की वैल्यू आपके पास आई फाई ऑफ आयोटा प्लस जी माइनस आयोटा फाई प्राइम ऑफ आयोटा, फिर प्लस जी माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल टू होता है फाई डबल प्राइम एट आयोटा प्लस सो इज इक्वल टू, इक्वल किसके है ये जी माइनस आयोटा के ठीक है जी, ये देख सकते हैं ये जी माइनस आयोटा ठीक है जी, ये वैल्यूज पुट होंगी। अब मेरा बेटा करना है इनको मल्टीप्लाई ठीक है, मल्टीप्लाई करके कोफिशेंट कंपेयर करने में डायरेक्ट समझाता जाता हूँ आपको ठीक है, पहले मेरा बेटा हम कोफिशेंट कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयर, हमने वैल्यू किसके निकालने ये भी याद रखना है, वैल्यू निकालनी हमने फाई डबल प्राइम ऑफ जी ठीक है, जब जाए आयोटा पुट करेंगे तो फाई डबल प्राइम ऑफ आयोटा बन जाएगा, कंपेयर कोफिशेंट ऑफ जी माइनस आयोटा ठीक है, जी माइनस आयोटा स्क्वायर जी माइनस आयोटा क्यूब ठीक है जी, जी माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा स्क्वायर जी माइनस आयोटा क्यूब, बेहतर था इसकी एक टर्म और हम लिख लेते जी माइनस आयोटा क्यूब ओवर सिक्स ठीक है फाइव ट्रिपल प्राइम ऑफ आयोटा, वैसे ये ट्रिपल प्राइम बन गया तो इसका फ़ायदा कोई नहीं होना ये ऐसे ठीक है। अब मेरा बेटा देखें वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे ना जी माइनस आयोटा की वैल्यू ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये ही टर्म इसके साथ भी होगी मल्टीप्लाई ठीक है, तो बनेगा आपके पास जी माइनस आयोटा का कोफिशेंट जो बनेगा वो इस तरह बनेगा कि वैल्यू आपके पास जो आएगी माइनस फोर आयोटा ठीक है फाई ऑफ
आयोटा इज इक्वल टू जी माइनस आयोटा, इधर क्या जी माइनस आयोटा वन, ठीक है तो आंसर आ जाएगा वन। ठीक है इसमें कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे मेरा बेटा जो हमने मिस्टेक किया जी प्लस आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आयोटा नहीं आता क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होगी। ठीक है इसको ठीक कर लें, यहाँ भी माइनस ना लगे। ठीक है तो ये माइनस फोर और ये आयोटा और ये फाइव आयोटा इज इक्वल टू वन, सही है। दूसरी जब आप कंपेयर करेंगे जी माइनस आयोटा, यहाँ से फाइव ऑफ आयोटा की वैल्यू निकाल लें डायरेक्ट वन ओवर माइनस फोर आयोटा, सही है जी माइनस आयोटा स्क्वायर का कोफिशेंट। अब ये ज़रा डिफ़िकल्ट है इसे ज़रा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है अब यही टर्म इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से एक जी स्क्वायर आएगा, ठीक है इस तरीके के साथ जी माइनस आयोटा स्क्वायर ये जब आंसर आएगा ये इसके साथ आएगी तो फाइव आयोटा भी साथ आएगा, फिर इस तरह ये टर्म मल्टीप्लाई हुई इसके साथ तो जी स्क्वायर बनेगा, इसी तरह इधर भी आपके पास फाइव प्राइम ऑफ आयोटा वाली टर्म आएगी। ठीक है तो ये आपके पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो माइनस सिक्स फाइव आयोटा माइनस फोर आयोटा फाइव प्राइम ऑफ आयोटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो जीरो क्यों होगा क्योंकि इधर आपके पास जो है ना वो टर्म नहीं है स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे माइनस सिक्स इसकी वैल्यू पुट कर दें वन ओवर माइनस फोर आयोटा माइनस फोर आयोटा फाइव प्राइम ऑफ आयोटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है तो इसको सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर वो दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर माइनस होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा फाइव प्राइम ऑफ आयोटा इज इक्वल टू आंसर आएगा फाइव प्राइम ऑफ आयोटा का माइनस थ्री ओवर एट, सही है। तीसरी जी माइनस आयोटा क्यूब, जी माइनस आयोटा ट्यूब क्यूब की टर्म जो है वो कॉमन करेंगे। ठीक है तो इसमें क्यूब वाले जो कोफिशेंट है वो कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा थर्टीन आयोटा ओवर थ्री फाइव आयोटा माइनस सिक्स फाइव प्राइम ऑफ आयोटा माइनस टू आयोटा फाइव डबल प्राइम ऑफ आयोटा इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे ये फाइव प्राइम ऑफ आयोटा और फाइव ऑफ आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा फाइव डबल प्राइम ऑफ आयोटा इज इक्वल टू इसका आंसर आपके पास आएगा सेवन ओवर ट्वेल्व आयोटा। नीचे से आयोटा ख़त्म करना चाहें तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, ठीक है तो ये बन जाएगा माइनस सेवन आयोटा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा ओवर ट्वेल्व। ठीक है जी तो अब मेरा बेटा रेजिड्यू क्या आया, रेजिड्यू आपके पास है रेजिड्यू एफ एट आयोटा इज इक्वल टू, ठीक है ये फाइव डबल प्राइम एट आयोटा ओवर वन ओवर टू, सही है ये आ गया वन ओवर टू, सही है मल्टीप्लाई माइनस सेवन आयोटा ओवर ट्वेंटी फोर, ये मल्टीप्लाई कर दें माइनस सेवन आयोटा ओवर ये ट्वेल्व, ठीक है जी ट्वेल्व टू आर ट्वेंटी फोर, ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, जो बात समझना है मज़ीद पूछी जा सकती है। ओके मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जज़ाक अल्लाह।